मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम भाई, कैम जो मजा में आपका भी बहुत ही मजा में। दोस्तों आज है हनुमान जयंती, तो हैप्पी हनुमान जयंती। हनुमान जयंती की आपको सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई। और भाई है ना आज, और आप सबसे बड़ी खुशखबरी देखो, वैष्णो देवी पद यात्रा की सबसे बड़ी खुशखबरी है कि वैष्णो देवी की अपडेट है ना, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो जरूर से देखना। और आज चलते हैं अपन टीवी वाले हनुमान जी के, क्योंकि टीवी वाले हनुमान जी है ना कुदरती निकले हुए हैं, और खोल के हनुमान जी आपको बहुत बार दर्शन करवाए, इस बार आपको करवाते टीवी वाले हनुमान जी, और जो जगतपुर में है। तो फटाफट चलते हैं। दोस्तों टीवी वाले हनुमान जी के आ चुके हैं, और देखो रामधुनी हो रही, बहुत ही जबरदस्त, आपको दर्शन करवाते हैं। जय बालाजी महाराज की जय, जय श्री राम, श्री श्री टीबा वाले हनुमान जी महाराज की जय, जगतपुरा। दोस्तों देखो रामधुनी हो रही है, हनुमान चालीसा हो रही है, बहुत ही सुंदर दृश्य है हनुमान जी महाराज का, और हैप्पी हनुमान जयंती। और दोस्तों हनुमान जी के दर्शन करके बहुत ही सुकून मिला है, बहुत ही आनंदमयी, मन ही नहीं कर रहा कि यहाँ से जाए, लेकिन भाई अब अपने जो फर्नीचर की साइड है वहाँ पे चलते हैं। और दोस्तों टीबे वाले हनुमान जी इसलिए बोलते कि यहाँ से टीबे में से हनुमान जी कुदरती निकले थे। तो साइड पे आ चुकी है, अपनी राम प्यारी को खड़ी कर दी है, हमारे आ गए बबलू भैया। और ये साइड देख रहे हो आप, ये पूरा फर्नीचर का काम है ना अपना किया हुआ है इसके अंदर, इसमें और पीछे की तरफ भी है। और दोस्तों देखो साइड से हम छुट्टी करके निकल चुके हैं, और ये सांगानेर का एयरपोर्ट है, और अब चलते हैं अपन इंदिरा बाजार। इंदिरा बाजार में अपनी राम प्यारी को खड़ी करेंगे, फिर उसके बाद में हनुमान जी की झांकी देखने चलेंगे। तो चलो आप भी मेरे साथ। सांगानेर के अंदर ये सुजुकी का शोरूम है, और सामने में देखो आप हायाबुसा खड़ी है भाई। ब्लैक कलर के अंदर हायाबुसा। अजी पंडित जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। और सुनाओ काय तैयारी? हनुमान जयंती की तैयारी है। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और दोस्तों अपनी शॉप पे आ चुके हैं, और ये हमारे छोटे भाई इधर सुनील भाई, और ये हमारे सौरभ जोशी। और दोस्तों हनुमान जयंती के ऊपर थोड़ा डिस्प्ले है ना, थोड़ा अंदर कर दिया सारा डिस्प्ले, क्योंकि भाई भक्तजन जो शोभा यात्रा निकलेगी तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, शोभा यात्री में जितनी जगह मिल सके उतनी जगह मिलनी चाहिए। और अंदर ले लो भाई काउंटर वाउंटर बढ़िया से। और सामने देखो आप, ये पूरा इंदिरा बाजार है, शोभा यात्रा के इंतजार कर रहे हैं सारे भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। अजमेरी गेट पे आ चुके हैं, ये अजमेरी गेट का दरवाजा है, बाकी अब चलते हैं सांगानेरी गेट के लिए। तो नेहरू बाजार में आ चुके हैं, ये है नेहरू बाजार। और दोस्तों सामने में गोलचा हॉल, जो कि इसमें काफी मूवी लगी है, ट्रिपल आर और KGF 2, बाकी भाई कश्मीर फाइल नहीं लगी देखो राजस्थान के अंदर। और दोस्तों देखो बाबू बाजार में आ चुके हैं, और मैं क्या बोल रहा था, कश्मीर फाइल नहीं लगने दिया भाई अशोक गहलोत राजस्थान के अंदर। बाकी बापू बाजार का भी नजारा दिखाते हैं आपको। और दोस्तों ये है बापू बाजार का मार्केट, बस कुछ ही दूर में सांगानेरी गेट है, तो वहाँ भी चलते हैं, आपको बालाजी के दर्शन करवाएंगे पहले। तो
और दोस्तों सांगानेरी गेट आ चुके हैं और हनुमान जी के आपको दर्शन करवाते हैं। चेहरे पे खुशी देख रहे हो तो कमेंट करके लिख दो भाई जय श्री राम। तो आपको दर्शन करवाते पहले हनुमान जी महाराज के। जय श्री राम, जय श्री राम। और दोस्तों सामने में काली चरण शराब जो कि बीजेपी का है नेता हमारे जो बजरंगबली। तो सांगानेरी गेट के हमारे हनुमान जी महाराज जो कि आज हनुमान जयंती है। देखो आप दर्शन करो कितने सुंदर दर्शन है। और दोस्तों देखो हनुमान जी महाराज की प्रतिमा कितनी सुंदर प्रतिमा है। ये हमारे भोले बाबा और पार्वती मैया। भगवान लक्ष्मण जी सीता मैया हनुमान जी शोभा यात्रा के अंदर कहीं पे भी डीजे वगैरह कुछ भी नहीं है इस बार। न कोई भगवान के भजन चल रहे हैं। और दोस्तों देखो जो शोभा यात्रा के अंदर जो भगवा रंग का जो झंडा आगे आगे चल रहा था भाई, पुलिस वाले ने ना भगवा झंडे को ही हटवा दिया। बोले कि ये भगवा झंडा शोभा यात्रा में नहीं चलेगा। अब देखो क्या हो रहा भाई, मतलब शोभा यात्रा में भगवान का जो भगवा झंडा है उसकी तो वो तो शोभा यात्रा में शान है और भगवा झंडे को हटवा दिए। क्या चल रहा है भाई राजस्थान में। हमारे राजू भाई साहब पंडित जी देखो फल फ्रूट बांट रहे हैं, कचौड़ियाँ बांट रहे हैं, बिस्किट बांट रहे हैं और कचौड़ियाँ वो देखो हमारे वो कचौड़ी बांट रहे हैं, आइसक्रीम बांट रहे हैं। बस एक चीज़ की कमी हो गई इस बार। इस बार है ना दो साल तो कोरोना की वजह से और अब दो साल बाद में ये शोभा यात्रा निकली। तो भाई पिछली 3 साल पहले तो डीजे लगा था यहाँ पे, हनुमान जी के भजन चले थे, लेकिन इस साल देखो कोई भजन नहीं चल रहा है। पूरे जयपुर में कहीं भजन शोभा यात्रा में, राम जी की शोभा यात्रा में, नवरात्रों में कोई भजन भाव कहीं नहीं चले। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है भाई कि शोभा यात्रा में भजन नहीं चलेंगे। ये राजस्थान के अंदर है ये अशोक गहलोत। जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेन झांकी है ये जो कि लास्ट की झांकी है। अरे एक जाएंगे।